हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबवल जोन ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे एचटीएमएल एलिमेंट्स और इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, क्या करेक्ट सिंटैक्स है, एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स जैसे एचरेफ, टाइटल, एसआरसी, इनका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैग क्या होते हैं। टैग में हम लेस देन सिंबल, देन टैग नेम, देन ग्रेटर देन सिंबल से किसी टैग को लिखते हैं, ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग फॉरवर्ड स्लैश से करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, एनी टेक्स्ट इनसाइड, तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं एचटीएमएल एलिमेंट्स, मींस ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड द टेक्स्ट इनसाइड, ओके। तो इसी तरीके से एलिमेंट जैसे कि हेडिंग टैग्स होते हैं लाइक H1, H2, H3, H6, पैराग्राफ टैग्स होते हैं, ठीक है, जैसे दिस इज हेडिंग, ओके। ब्राउजर पे हम इसे देखते हैं, ये आ गया, ये हो गया एक H1 एलिमेंट, ठीक है। उसी तरीके से H2 भी है, H6 है, H6 का फॉन्ट साइज सबसे छोटा होता है और H1 का सबसे बड़ा होता है। H1 पूरे HTML डॉक्यूमेंट में वंस डिफाइंड होता है एक वेब पेज पे, ठीक है। देन हम देखते हैं एंकर टैग होता है, एंकर टैग भी एक HTML एलिमेंट्स है, ठीक है। इसमें HREF एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद कि एट्रीब्यूट क्या है। इसके अंदर हम लिंक्स ऑफ द फाइल वेयर वी वांट टू नेविगेट, ओके, आफ्टर क्लिकिंग। उसी तरीके से IMG टैग होता है फॉर इंसर्टिंग इमेजेस, टाइटल टैग होता है जो कि ब्राउजर के टाइटल बार पर डिस्प्ले होता है। तो ये सभी HTML एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स क्या हैं। एम्प्टी एलिमेंट्स या वॉइड एलिमेंट्स वे होते हैं जिनका कि कोई टेक्स्ट नहीं होता है, जिनके इनसाइड कोई टेक्स्ट नहीं होता है और क्लोजिंग हमेशा इसके स्टार्ट टैग में होता है, ठीक है। जैसे कि BR टैग हो गया, ब्रेक टैग जो कि एक लाइन ब्रेक क्रिएट करता है, IMG टैग हो गया, इसकी क्लोजिंग ओपनिंग टैग में ही हो गई, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश से। इनपुट टैग हो गया, अब ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, मींस इन टैग्स को हम लोअर केस में भी लिख सकते हैं और अपर केस में भी लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू W3C रिकमेंडेशन होता है कि हमें लोअर केस में लिखना है, ओके। सो W3C रिकमेंड फॉर लोअर केस। देन हम देखते हैं कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या हैं। HTML एट्रीब्यूट्स सम एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं किसी भी HTML टैग के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एंकर टैग का केस ले लेते हैं जिसमें कि HREF एक HTML एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट में वी आर गिविंग लिंक्स ऑफ द फाइल वेयर वी वांट टू नेविगेट, आई एम लिंकिंग HTML बेसिक, सो इस पे क्लिक करने के बाद हम HTML बेसिक फाइल पे चले गए, HTML बेसिक वेब पेज पे चले गए, ओके। अब देखते हैं ये टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है। टाइटल एट्रीब्यूट सिंपली जो भी हम इस टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसका एक टूल टिप क्रिएट करता है ऑन होवर ऑफ क्लिक। इस पे जब भी हम होवर करेंगे तो ये इस टेक्स्ट का टूल टिप क्रिएट करेगा। ये देखिए टूल टिप क्रिएट कर रहा है, क्रिएट टूल टिप, ठीक है। ये तो हो गया एंकर टैग के एट्रीब्यूट। अब IMG टैग के एट्रीब्यूट जैसे कि SRC, वी आर गिविंग पाथ ऑफ द इमेज, देन इसे फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज कर दिया बिकॉज इट इज एन एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है। एम्प्टी एलिमेंट्स की सेल्फ क्लोजिंग होती है। अब पाथ ऑफ इमेज कैसे देंगे, जैसे हमारे पास एक इमेज है कैट की, सेम रूट पर है HTML फाइल और इमेजेस फोल्डर, देन इसका पाथ इस तरीके से देंगे, ठीक है, कैट की इमेज आ गई। तो ये हो गया एक SRC एट्रीब्यूट। देन दूसरा एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट एट्रीब्यूट, जब इमेज हमारी आ नहीं रही होती है सर्वर पे या इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है तो उस केस में ब्राउजर को कोई टेक्स्ट दिखाना होता है, तो उस केस में
ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ होता है और SEO पर्पज से भी ये अच्छा होता है, इसलिए इमेज में हमेशा ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहिए। एक लाइन ब्रेक क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, ये कैट इमेज आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से विथ और हाइट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि किसी एलिमेंट में विथ और हाइट देने के लिए होता है। अब हम देखते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में। स्टाइल एट्रीब्यूट किसी भी HTML एलिमेंट्स को ब्यूटीफाई करने के लिए होता है, सिंपली CSS ऐड करने के लिए होता है। तो अभी फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं कि स्टाइल एट्रीब्यूट क्या कर रहा है। हमें इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना है और इसके टेक्स्ट को कलर को वाइट करना है। तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया एंड कलर इज वाइट। ठीक है, इसी तरीके से ये स्टाइल एट्रीब्यूट किसी भी HTML एलिमेंट पे ऐड कर सकते हैं। इनपुट का टाइप एट्रीब्यूट टेक्स्ट हो गया, मीन जो भी इसमें फील्ड हम फिल करेंगे, जो भी फील्ड है वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। और इसका स्टाइल हमने विथ 100% कर दिया, मीन्स इसकी विथ 100% हो गई। तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट किसी भी HTML एलिमेंट पे हम ऐड कर सकते हैं टू ब्यूटीफाई एनी HTML एलिमेंट्स। अब इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं कि करेक्ट सिंटैक्स है क्या। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट का नेम होता है, देन डबल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू लिखते हैं। डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, या फिर सिंगल डबल दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव ए रेड कार, ठीक है, या फिर आई हैव ए वाइट कैट। और इस टेक्स्ट को हम ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर देते हैं इमेज टैग के लिए, ठीक है। सिंस ऑल्ट एट्रीब्यूट में हमने डबल कोट्स लिया है, तो इनसाइड ऑफ डबल कोट्स वी आर यूजिंग सिंगल कोट्स, एंड इफ वी यूज सिंगल कोट्स वी आर यूजिंग डबल कोट्स, ठीक है, इस तरीके से, ओके। स्टाइल एट्रीब्यूट भी हो गया। अब ये जो HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं ये भी केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, बट लोअर केस को रिकमेंड किया जाता है। अब देखते हैं लैंग्वेज एट्रीब्यूट क्या है। लैंग्वेज एट्रीब्यूट सिंपल ब्राउजर या सर्च इंजन को ये बताता है कि HTML डॉक्यूमेंट हमारा किस लैंग्वेज में है, ठीक है। इट टेल्स ब्राउजर अबाउट लैंग्वेज ऑफ आर HTML डॉक्यूमेंट, ओके। तो लैंग्वेज एट्रीब्यूट में जो पहला सिंटैक्स होता है वो लैंग्वेज का होता है, लाइक EN, EN इज फॉर इंग्लिश एंड US इज फॉर कंट्री कोड। तो पहला सिंटैक्स होता है लैंग्वेज एंड सेकेंड सिंटैक्स होता है कंट्री कोड का। तो ये थी डिटेल वीडियो हमारी HTML एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।